हेलो एवरीवन दिस इज हर्षा वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी सो हाय गेस आज की वीडियो में मेंदर डायनो एक्स का अपडेट लेकर आया सो so, इस वीडियो में हम डायनो एक्स का फर्स्ट लॉटरी इवेंट जो है स्टार्ट हो गया अगस्त 17 टू ट्वेंटी इसमें जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए आप स्टेकिंग किया तो आपको लॉटरी टिकट्स मिला होगा उस टिकट्स को कैसे क्लेम करना इस लॉटरी इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट करना एंड इस पर्टिकुलर ट्वेंटी लकी गिफ्ट को कैसे एंड कर सकते हो सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा सो वीडियो जरूर एंड तक देखना विदाउट स्कीपिंग उसके साथ साथ इसका डायनो का और भी डिफरेंट अपडेट जो है वो भी

वीडियो है ये। so, इसमें आप टिकेट्स को कैसे क्लेम करना है? दिखा दूंगा। so, let's begin the video, guys. So, first thing, इस पर्टिकुलर लॉटरी इवेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। so, जो भी आपको जो भी डायनोमिक्स प्लेटफॉर्म स्टेकिंग पूल में जो स्टेकिंग कर रहा है for every 100, uh, DinoX tokens, आपको वन लॉटरी टिकट मिलेगा फॉर वन वीक टाइम सो अगर आप हंड्रेड डायनोमिक्स टोकन को वन वीक के लिए होल्ड किया तो उस पर्टिकुलर स्टेकिंग में जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया तो आपको एक वन लॉटरी टिकट मिलेगा सो so, उसमें आपको जितने भी लॉटरी टिकट्स मिलता है एवरी वीक एक लॉटरी इवेंट होगा उसमें कुछ प्राइजेस होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते विद दो लॉटरी टिकट सो so, जितना ज्यादा लॉटरी टिकट आपके पास होगा उतना ज्यादा आपका विनिंग चांसेस होगा सो so, अभी इस पर्टिकुलर इवेंट में टू सेवेंटी एक इवेंट हुआ है इसमें आपको प्राइजेस अवेलेबल है सो फर्स्ट प्राइज जो है वो जिसमें थ्री डायनो एक्स एक्स जनरेशन जीरो एक्स अवेलेबल है फॉर द रिवार्ड्स एंड नाइन डायनो एक्स डीएनएक्स आई बूस्टर पैक्स अवेलेबल है सो बूस्टर पैक्स क्या है अभी तक कुछ आइडिया नहीं मेरे हिसाब से मे बी वन और टू उसमें डायनो एक्स कार्ड्स होगा शायद

प्राइज पुल्स भी रहेगा सो मूविंग फॉरवर्ड इधर देख सकते हो उसका के से, moving forward, every Friday 4 UTC, मतलब इंडियन के हिसाब हिसाब से in the evening से से मतलब लेकर तक वीक ये लॉटरी इवेंट ओपन रहेगा इसके अंदर इस पर्टिकुलर फ्रेम फ्राइडे टू मंडे के अंदर आप टिकट क्लेम करके स्टे कर, कर सकते लॉटरी इवेंट में एंड जिसको भी विनिंग अनाउंस होगा उस विनर्स को इस पर्टिकुलर रिवार्स में से रिवॉर्ड पूल में से रिवॉर्ड मिलेगा सो ये इसका एवरी uh, वीक चलते रहेगा इस पर्टिकुलर इवेंट वो भी आपको ध्यान में रखना है जितने दिन आप इसमें इन्हें uh, uh, टोकन स्टे किया उतना दिन आप लॉटरी टिकट्स क्लेम कर सकते हैं एंड इसमें आप uh, लॉटरी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अभी इस पर्टिकुलर लॉटरी इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट करना टिकट्स कैसे क्लेम करना आपको लाइव डेमो दिखा दूंगा सो फर्स्ट थिंग वेरी सिंपल आपका जो स्टेकिंग किसने किया सो so आपको गो टू पोर्टल में क्लिक किया तो आपका इस पर्टिकुलर स्टेकिंग पेज ओपन हो जाएगा इधर देख सकते हैं मेरे 5000 थाउजेंड डायनोमिक्स टोकन पर्टिकुलर वैलेट में स्टेक किया था ऑन पॉलीगॉन चेन सो आप किसी भी चेन में भी स्टेक कर सकते हैं आपको टिकट्स मिलेगा सो so आप देख सकते हैं अवेलेबल टिकट जो है फिफ्टी टिकट्स अवेलेबल है सो so इसको क्लेम करने के लिए सिंपल आपको शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना होगा इधर आपको शो डिटेल्स का बटन दिख जाएगा उसको क्लिक करना होगा नेक्स्ट स्क्रीन में आपका कैलकुलेशन दिखा देगा सो तो कितना अमाउंट स्टे किया एंड कितना टिकट्स मिला सो तो मैंने 5000 थाउजेंड टोकन टेक किया तो वन वीक में मुझे 50 लॉटरी टिकट्स मिला है सो तो अभी नीचे स्क्रॉल किया तो इधर आपको क्लेम टिकट्स का ऑप्शन मिल जाएगा उस बटन को जस्ट क्लिक करना होगा सो वन क्लिक करने के बाद पेज रिफ्रेश हो जाएगा एंड दैट्स ऑल्सो आपको कोई भी गैस फीस भी इस पर्टिकुलर स्क्रीन में पे करने का जरूरत नहीं है एंड दैट इज वन गुड थिंग सो इसके बाद आप पेज को विद इन टू टू फाइव मिनट्स के बाद आप इस पेज को रिफ्रेश करके देख सकते हैं एंड आपको उस पर्टिकुलर क्लेम ट्रांजेक्शन इधर दिख जाएगा सो अभी रिफ्रेश करके अधिकार है नीचे लास्ट क्लेम्ड टिकट ट्रांजेक्शन जो है इधर आपको दिख जाएगा मतलब आपका वैलेट में टिकट्स ऐड हो गया सो so, आपको टोकन किसी भी चेन में भी स्टेक्ड है लाइक बाइना स्मार्ट चेन इम और पॉलीगॉन चेन सो तीनों किसी भी चेन में भी होने दो आप क्लेम टिकट किया तो आपको टिकट जो है पॉलीगॉन चेन वैलेट में ही आएगा सो so, पॉलीगॉन चेन में टिकेट आएगा सो थोड़ा मैटिक टोकन्स रहना है अगर आपको उसको स्टेक करना है तो सो so, अगर आपका पास वो टोकन्स आए कि नहीं चेक करना है तो वेरी सिंपल आपको ओपन वेबसाइट में जाना होगा ये एक एन एफ टी मार्केट प्लेस है इसमें प्रोफाइल सेक्शन में माई प्रोफाइल सेक्शन में आके नीचे स्क्रोल किया तो आपको वैलेंट करने, करने के बाद आप देख सकते मैंने जो लॉटरी क्लेम किया मेरा 50 लॉटरी जो है इधर दिखा रहा है सो so, मैं उसको ओपन सी में सेल कर सकता हूं और उस पर्टिकुलर टिकेट को यूज करके इस पर्टिकुलर लॉटरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूं फर्स्ट स्टेप हमारा फिनिश हो गया लॉटरी टिकट क्लेमिंग अभी उसको लॉटरी में कैसे एंट्री लेना है वो आपको दिखा दूंगा लेफ्ट साइड में आपको लॉटरीज़ करके टैब दिख जाएगा उस पर्टिकुलर टैब को क्लिक करना होगा एंड आपको इस पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा एंड इस इस पेज में आपको वैलेट जो है पॉलिगोन चेन में कनेक्टेड रहना अगर आप इथेरियम और चेन है तो इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आप वैलेट को पॉलिगन चेन में कन्वर्ट कीजिए अच्छी स्वैप करना उसके बाद इधर एंटर अमाउंट सो इधर देख सकते यूर अवेलेबल टिकट फिफ्टी यूर एंट्री जीरो एंड एंट्री टोटल एंट्रीज देख सकते हैं अभी एंट्री लेने के लिए लॉटरी में इधर ड्रॉ ऐसा ड्रैग करके आप एंट्री ले सकते हैं अब अभी फिफ्टी एंट्री टिकेट से मैं एंट्री ले रहा है सो फर्स्ट थिंग आपको अप्रूव लॉटरी फर्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा सो वंस ये बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मेटामास ट्रांजेक्शन आएगा इसमें आपको इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना होगा सो वंस ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड अप्रूव अप्रूव ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया रिफ्रेश का पेज बटन प्रेस करना है उसके बाद पेज रिफ्रेश हो जाएगा इधर आपको एंटर लॉटरी बटन जो है दिख जाएगा सो so, उसको फिर से आप फिफ्टी एडजस्ट करके आप ए, आपके पास कितना भी है एडजस्ट करके इधर एंट्री लॉटरी के ऊपर क्लिक कीजिए मैडम आज ट्रांजेक्शन आएगा उसके बाद कंफर्म कीजिए एंड आपका टिकट जो है सक्सेसफुल्ली लॉटरी इवेंट में एंटर हो जाएगा सो so, अभी देख सकते हैं पेज रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं मेरा अवेलेबल टिकट जीरो हो गया एंड योर यूअर एंट्री फिफ्टी टिकेट होगा एंड देख सकते हैं ऑलरेडी टोटल एंट्री जो है अराउंड 46,443 टिकट जो है इस पर्टिकुलर लॉटरी इवेंट में एंट्री में हो गया एंड अगर आप लकी बहुत ज्यादा लक है तो तब आपको इसमें लॉटरी इवेंट में कुछ प्राइजेस मिल सकते हैं एज पर दिस अनाउंसमेंट इन तीनों में से किसी भी प्राइज आपको मिलने का चांसेस है सो so, मेरे हिसाब से तीनों प्राइजेस का हाई वैल्यू होने का चांसेस है बट एनी आपको फ्री में स्टेक करने से आपको कुछ लॉटरी टिकेट मिल रहा तो अब डेफिनेटली उसको यूज कीजिए एज ये मैटिक चेन में गैस गैच फेज में आपको ऑलमोस्ट नियर टू जीरो पे करना होगा सो so ये ये हो गया लॉटरी टिकट्स इवेंट सो so अगर आपके पास कम टोकंस है तो मतलब 500 uh, टोकंस को स्टे किया तो आपको ओनली फाइव टिकट्स एवरी वीक मिलेगा सो so आपको विनिंग चांसेस इनक्रीस करना है तो 1 और 2 वीक्स वेट करके टू वीक्स के बाद जो भी टिकट्स आपको मिल रहा फाइव और टेन उन सारा मिलके एक लॉटरी इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि जितना ज्यादा टिकट्स आपके पास होगा उतना विनिंग चांसेस ज्यादा होगा सो इसमें एडवांटेज हो सकता है सो वो ऐसे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इट्स कंप्लीटली अप टू एवरी वीक आप फाइव फाइव टिकट्स के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सो ये हो गया लॉटरी इवेंट का डिटेल सो अभी हम बात करते हैं इसका अदर अनाउंसमेंट्स के बारे में सो अदर अनाउंसमेंट देखा तो इसका लिक्विडिटी पुल जो है स्टार्ट हो गया थ्री डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ये हो गया डायनोस्वैप में इसका लिक्विडिटी पूल स्टार्ट हो गया एंड लिक्विडिटी माइनिंग कैंपेन जो है बोथ ऑन यूनिस्वैप एंड क्विक स्वैप स्टार्ट हो गया सो यूनिस्वैप का लिक्विडिटी पूल जो है आप डावा मेकर में स्टेक करके उसके ऊपर एर्न कर सकते रिवॉर्ड्स एंड क्विक स्वैप में जो भी टोकन आपने रिवॉर्ड किया उसको आप क्विक स्वैप पेज में स्टेक करके एनुअल इंटरेस्ट एंड कर सकते हो so, सो देख सकते हैं क्विक स्वैप का पेज है और उन... 8000 एंड 15000 का इसमें एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है सो वेरी वेरी हाई सो मेरे हिसाब से कुछ ही मे बी विद इन फ्यू आवर्स से कम भी हो सकता है सो बट उससे पहले अगर आपके पास नॉर्मल टोकन्स है तो इसमें स्टेक भी कर सकते हैं सो अभी प्राइस देखा तो टोकन का प्राइस अराउंड सेवन पॉइंट सेवन फोर डॉलर के आसपास है वेरी रिसेंटली अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है सो मेरा हमारा कॉल जो है एग्जैक्टली पॉइंट फोर फोर डॉलर के आसपास था एग्जैक्टली उसका बॉटम समझ सकते हैं करेक्ट एंट्री लिया हमारा कम्युनिटी मेंबर्स ने मेरा वीडियो देखे सो so उसके बाद ऑलमोस्ट टू एक्स टच हुआ थ्री एक्स भी टच हुआ सो so अभी कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है देखते हैं इसका प्राइस मूवमेंट भी कैसे होगा मैंने तो मेरा सारा टोकन जो है इस पर्टिकुलर लॉटरी इवेंट में स्टे किया मैं इस पर्टिकुलर इवेंट में जो जनरेशन जीरो एक्स मिल रहा है मेरे हिसाब से वो बहुत ही वैल्यूबल होगा क्योंकि जनरेशन जीरो एक्स जो है ओनली एट थाउजेंड एग्स अवेलेबल रहेगा एंड वो सारा स्टेकिंग पूल्स फुल हो गया अभी ऑलरेडी ये एट थाउजेंड एग्स जो है मेरे हिसाब से फ्यूचर में वैल्यूबल हो सकता है अभी मेरी मेरे हिसाब से उसका वैल्यू कम हो सकता है वंस इसका गेम लॉन्च होने के बाद मे, मेरा डायनो एक्स टोकन को मैं सेल कर सकता हूँ बिकॉज उसका टोकन वेस्टिंग शेड्यूल में कुछ डायलूशन आ सकता है करके बट इस पर्टिकुलर एक को मैं अभी सेल नहीं करूंगा क्योंकि इस टाइप ऑफ एन को वंस गेम लॉन्च होने के बाद फ्यूचर में उस गेम सक्सेस होने के बाद फ्यूचर में जनरेशन जीरो मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लो इस पर्टिकुलर गेम का फर्स्ट लेवल ऑफ एक्स जो है उसका वैल्यू बहुत ही प्रीशियस हो सकता है मैं उसको होल्ड करूंगा मे बीट सिक्स मंथ और एट मंथ और मेबी वन ईयर उसके बाद सेल करूंगा एंड मे बी उसका वैल्यू ज्यादा हो सकता है सो so, मैं कोई भी प्रॉब्लम में लॉस हुआ तो भी बट मेरा ये है कि जेनरेशन जीरो एक्स में प्रिजर्व करके रखूंगा इवन मार्केट में बहुत कम प्राइस है तो थोड़ा और भी अक्यूमिलट भी करने का चांसेस है सो so, ये गैस आज का वीडियो ऑलबाउट डायनो एक्स का कंप्लीट प्रोजेक्ट ओर यू एंड लॉटरी मेनिज्म का डेमो सो so, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प लगा अच्छा लगा मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक टारगेट जो है थ्री हंड्रेड लाइक सो अभी भी वीडियो को लाइक करना सो so, और डायनो एक्स का अपडेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करना आप भी कितने प्राइस में एंट्री लिया कितना प्रॉफिट बुक किया वो भी आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते सो दैट्स ऑल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद